भाई ब्रेकफास्ट कहाँ है? ब्रेकफास्ट वो क्या होता है भाई? जो सुबह करते हैं ना उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। मैं खुद तो पानी पे काम चला रहा हूँ, तुझे ब्रेकफास्ट कहाँ से दे दूँ? और पता है सुबह उठ के यार बर्तन धोने पड़ते हैं, ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, इससे बढ़िया लंच में उठो और सारे काम कर लो। ये पानी है, पिएगा? अरे तूने जैसे मग गिफ्ट किए थे ना वो ले आ। मग मार दो इसके मुंह पे। अरे मारना नहीं है, आज मैं तुम दोनों को बताती हूँ इस मग की ताकत। और आज इस मग में हम बनाएंगे वायरल फूड मग रेसिपीज। और अगर आपको ये मग रेसिपीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद निशा को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो आओ सिखाती हूँ तुम्हें। आज की रेसिपी खासकर उन लोगों के लिए जो बर्तन धोने की वजह से खाना नहीं बनाते हैं। तो ले माइक्रोवेव सेफ मग, इसमें मैगी और टेस्ट मेकर को डाल दें और अब डालें पानी को मैगी के लेवल तक। मैगी थोड़ी टेस्टी बने तो मैंने प्याज, टमाटर और ऑरिगेनो डाला है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस अब इसे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पानी का लेवल आप मैगी तक ही रखें ताकि ये उबल के नीचे ना गिरे। तो देखा ना दोस्तों कितना आसान है इस मैगी को बनाना। और यहाँ पर मैगी तैयार है। ये लो बन गई मैगी। और भी बन भी गई है। हाँ चलो यार टेस्ट करते हैं कैसी है। बहुत ही कितनी टेस्टी है यार। बहुत ही तो बहुत टेस्टी बनी है। तो चलिए अब बनाते हैं ये चीज़ी मैकरोनी। इसके लिए पानी डालकर सबसे पहले मैकरोनी को उबाल लें और 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। अब इसके ऊपर डालूंगी मैं ग्रेट किया हुआ चीज और फिर डालूंगी आधा कप दूध। अब इसमें भी डालेंगे हम बारीक कटा हुआ टमाटर, प्याज, थोड़ा सा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और स्वाद अनुसार नमक। इन सब को भी डालकर करना है माइक्रोवेव 2 से 3 मिनट के लिए, डिपेंड करता है आपके माइक्रोवेव की पावर पे। और 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि चीज़ी मैकरोनी भी बनके तैयार है। इस चीज़ी मैकरोनी का टेस्ट जो मग में आता है वो एकदम पैन वाली मैकरोनी की तरह आता है, या यूं कह लीजिए उससे भी बढ़िया आता है। अब इन दोनों से ही पूछ लेते हैं कि इनको ये मैकरोनी कैसी लगी। ये पास्ता दिखने में तो अच्छा लग रहा है यार। मैगी भी रखी थी, आप टेस्ट करते हैं। ये दिखने में तो बिल्कुल उसकी शकल की जैसा लग रहा है। अब टेस्ट करता हूँ। मेरे को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। इससे अच्छा तो हमारी मैगी थी। भाई इसका टेस्ट इतना बेकार है ना, ये इतनी डिलीशियस है ना पूछो मत। ये ओरियो मग केक मेरी बेटी अनंत्या को बहुत पसंद है और उसकी हर रोज डिमांड होती है कि मम्मा ये ओरियो मग केक बनाओ। इसके लिए बस ओरियो को तोड़ ले माइक्रोवेव सेफ मग में और अब हम इसमें डालेंगे दूध डाल के इसको क्रश कर ले और इसका एक पेस्ट बना ले। यहाँ पे मैंने 4 से 5 ओरियो के बिस्किट्स लिए और कप को हमें आधा ही भरना है, नहीं तो हमारा केक बाहर निकल आएगा। तो बस ये पेस्ट बन गया है। इसमें डालेंगे अब 1 चुटकी इनो जिससे कि केक हमारा फ्लफी बने और उसको भी मिलाकर इसको माइक्रोवेव में रख देंगे। यहाँ पर मैंने इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया और आप देखेंगे 1 मिनट में ये हमारा केक बनके तैयार है। ये ओरियो मग केक तो मेरी बेटी का भी फेवरेट है और आपने खुद ही देखा है कि ये कितनी आसानी से बन जाता है और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। हम में से बहुत लोग ब्रेड ऑमलेट ब्रेकफास्ट में खाते ही हैं, बट ये ब्रेड ऑमलेट आज हम बनाएंगे इस मग में। तो यहाँ पे डाले ब्रेड के पीसेस को। मैंने यहाँ पे एक ब्रेड ली है और 3 अंडे फोड़ के डाले हैं। इस रेसिपी के लिए आप ब्रेड और अंडे का रेशियो अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पे डाला है मैंने बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर और हरी मिर्च टेस्ट के लिए, स्वाद अनुसार नमक, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो। और यहाँ पे मैंने आधा छोटी चम्मच दूध भी डाला है और अब इन सबको मैं मिला लूंगी और बस इसे भी रख दें माइक्रोवेव में। यहाँ पर मैंने टाइमर को 2 मिनट के लिए सेट किया है और आप देखेंगे 2 मिनट में हमारा ये मग ब्रेड ऑमलेट भी बनके तैयार है। तो बस आप जब भी जल्दी में हो तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये मग ऑमलेट रेसिपी और हाँ, इसका मज़ा लें। ऑमलेट खाने में तो बहुत गर्म है, तो इसे एकदम निकाल के ना खाएं। बिना ऑयल के बनाए तो बहुत अच्छा हो रहा है। वाह। और हम बैचलर्स के लिए तो अच्छी ट्रिक है, इसमें ना बर्तन धोने की जरूरत पड़ी, एक ही मग में सारा काम। भाई अब तो मैंने तेरे को ये मग रेसिपीज बता दी है, तो ये पानी छोड़ और ट्राई करो ये मग रेसिपीज। और आप भी मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सी रेसिपी सबसे अच्छी लगी। और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आवाज तो निकाल लेते हैं दोनों के दोनों। अगर दी आप ये टेस्ट पहले कर लेते हो, आज मेरा ये हाल नहीं होता। तो फोक में ना उड़ता ना। हाँ चलो कैमरा ऑफ, बाय।